तो वेलकम टू आवर पीसीबी एम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम कौन से बेसिस पे, कौन सी चीज़ की प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, वर्ड वर्क के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना। वर्क के ऊपर देख रहे हैं कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर कुछ काम को कुछ दिनों में करा है तो वो कैसे कैसे करेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखते जरा उस पर क्या काम आता है, जरा समझो मेरे साथ। तो पहला हमारे को दे रखा है लेट, जैसे मान लो एक कुछ लोग है, जैसे कुछ औरतें कुछ आदमी, तो वो काम को करते हैं तो कितने दिन में खत्म करते हैं। मान लो एक औरत या एक आदमी, लेट वन लेट टाइम टेकन, इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, टेकन बाय वन, वन लिख लेता हूँ, वन वूमेन टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू एक्स डे। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक एक्स दिन में एक औरत जो है एक काम को खत्म करती है, ठीक है ना, एक्स दिन में। तो एक दिन में कितना हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि वन डे वर्क ऑफ वन वूमेन, वन अपॉन में एक्स, ये इसके नीचे ले गया मैं। एक औरत के द्वारा एक काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लग जाएगा। तो ये एक काम हो गया उसका, काम करने का वो, ठीक है ना। सिमिलरली कि जैसे अब जैसे सेम चीज मैं लिख सकता हूं कि वन डे वर्क, एक दिन में इतना काम कर रहा है वन मैन, एक मैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वन बाय वाई मान लेते हैं कि किसी भी काम को एक दिन में कितना खत्म कर सकता है, वो इतना खत्म कर सकता है। इसको जैसे औरत कितना कर सकती है, इतना, और आदमी इतना कर सकता है। तो हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 3.6 है, ठीक है ना। 3.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ही है। देखो कितना इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझते हैं उसको क्या दे रखा है हमारे को। तो इसको देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में लिखा है दो औरतें और पांच आदमी मिलके एक काम को टुगेदर फिनिश करते हैं चार दिन में, ठीक है ना। तो हमें तो एक दिन के हिसाब से डिसाइड करना है, तो वन डे वर्क इसका ही हो जाएगा, वन डे वर्क इसका ही हो जाएगा, और चार दिन का भी वन डे वन बाय फोर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम उसको कि दो औरतें हैं तो टू बाय एक्स, प्लस पाँच आदमी है पाँच बाय वाई, इज इक्वल टू वन बाय फोर, वो एक काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो वन डे वर्क हो जाएगा हमारा, एक काम को खत्म करने का इतना टाइम उनको लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक औरत इतने दिन में काम करती है तो वन डे में कितना वो काम खत्म हो जाएगा, तो इतना काम खत्म हो जाएगा वन डे में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन वन ईयर। सेकंड बोला उसने, सेकंड इसी में बोला है इफ वाइल थ्री, अगर तीन औरतें लगेंगी और छः आदमी, तो हमारे पास सेम काम हमारा तीन दिन में खत्म हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन टू। अब इन दोनों क्वेश्चन को आपस में सोल्व करना है, तो वन बाय एक्स को वी और उसको यू हम लोग मानते हैं, जैसे जैसे करना है वैसे वैसे कर लेना, डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लेना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, काफ़ी टाइम से हम लोग कर चुके हैं सारी चीज़ को। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ ऐसे देख लेना टू से, तो देखते कैसे लगता है आप लोगों को डायरेक्ट समझने में। तो सिक्स बाय एक्स हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन बाय वाई, और ये हमारा आ जाएगा थ्री बाय फोर। चलो इसको देखते हैं, तो सिक्स बाय एक्स, ट्वेल्व बाय वाई इज इक्वल्स टू वन बाय सॉरी टू बाय थ्री। चलो कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों कर लेते हैं, तो पंद्रह बाय वाई माइनस ट्वेल्व बाय वाई, ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर माइनस टू बाय थ्री। ऐसे भी करना है, ऐसे कर लेना। तो वाई इसमें सेम है, तो 15 माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये इसमें एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 9, इसको इससे करेंगे तो 8। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 बाय वाई, और ये 1 बाय 12 आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 3 36। अगर एक सिंगल आदमी काम करता, वाई की वैल्यू आदमी के ऊपर है, और सिंगल आदमी अगर काम करता तो उसे 36 दिन में उस काम को ख़त्म कर पाता, इतना इसका आंसर आ जाता है। तो वाई की वैल्यू आ गई 36। अब ये वैल्यू हम लोग डाल देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन थी 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में ये वाई हो जाएगा, ये ऐसे करते हैं नीचे वाली इक्वेशन लेते हैं, ईजी लगेगी, 3 अपॉन में एक्स प्लस 6 अपॉन में वाई
इज इक्वल टू 1/3, तो 3 अपॉन में एक्स, 6 अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1/3, तो इससे कटेगा 6 टाइम में उधर ले जाओ, तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, तो एक्स के लिए आ जाएगी 18। तो एक औरत को काम खत्म करने में 18 डे और आदमी को काम खत्म करने में 36 दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। Thank you.